ये देखिए, एकदम दानेदार हलवाई स्टाइल मुंह में घुल जाने वाले बेसन के लड्डू, जो न कभी गले में चिपकेंगे, न कच्चे लगेंगे और न ढीले पड़ेंगे। बिना चाशनी भी परफेक्ट बनेंगे इस नए तरीके से। मैं बनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल गोल गोल मुंह में घुल जाने वाले बेसन के लड्डू। बनाने का तरीका फ्रेंड्स इतना आसान कि पहली बार में ही परफेक्ट बेसन के लड्डू तैयार कर पाएंगे, जिसके लिए आपको कोई चाशनी भी नहीं बनानी है। बहुत कम घी में आप एकदम परफेक्ट हलवाई जैसे बेसन के लड्डू तैयार कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हलवाई जैसे सॉफ्ट और दानेदार रसीले बेसन सूजी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन। अब आप मेजरमेंट के लिए क्या करें, किसी ग्राम वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। घर की कोई कटोरी या कोई चाय वाला कप ले लीजिए और हमें 2-3 चीजें इस्तेमाल करनी है पूरी रेसिपी में। पूरा मेजरमेंट आप उस कटोरी से कर लीजिए। तो ये मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन यहाँ आप कोई भी ले लीजिए, मोटा बेसन हो तो ज्यादा बढ़िया। तो यहाँ पर 1 कप बेसन लिया, इसी के साथ मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप सूजी। तो जिस कटोरी या कप से आपने बेसन लिया है उसी कप या कटोरी से आप सूजी लें। अब यहाँ सूजी भी जो नॉर्मल वाली होती है, घर में रेगुलर वाली, वही ले लें। आपको कोई बारीक सूजी वगैरह अलग से खरीदने की जरूरत नहीं। सिंपल नॉर्मल बॉम्बे रवा जो होता है ये मैंने वो लिया है। तो सूजी को भी यहीं डाल देंगे, दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज के इस प्रोसेस में आपका घी भी कम लगने वाला है। यूजुअली जब हम बेसन सूजी के लड्डू या बेसन के लड्डू भूनकर बनाते हैं घी में, तो बहुत ज्यादा घी भी लग जाता है और रिजल्ट भी वैसा आ नहीं पाता। आज के इस लड्डू में घी भी कम लगने वाला है। तो अब यहाँ पर इसमें मैं डाल रही हूँ मोइन यानी घी। लड्डू वगैरह घी से बढ़िया बनते हैं। आप तेल ले सकते हैं, लेकिन तेल की जगह फिर आप वनस्पति घी लें। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 4 बड़ा चम्मच घी। पहले 4 बड़ा चम्मच घी डालेंगे, हल्का सा मेल्टेड, बहुत ज्यादा पिघला हुआ नहीं, बहुत ज्यादा जमा हुआ नहीं। अच्छे से करेंगे हाथों से मिक्स के बढ़िया से जो मोइन है वो सूजी और बेसन में अच्छे से लग जाए। ये देखिए, अब आप एक मुट्ठी बनाकर देखिए कि ये बंध रहा है या नहीं। ये देखिए, परफेक्ट मुट्ठी बंध रही है, यानी कि जो हमने घी डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लड्डू सख्त नहीं पड़ेंगे आगे जाके, सूखे सूखे ड्राई नहीं होंगे और खाने में एकदम मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। अगर यहाँ आपको सूखापन लगे तो थोड़ा 1 चम्मच घी और बढ़ा लीजिए। अब हम लेंगे हल्का सा गुनगुना पानी, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, हल्का सा गर्म, बस के उंगली डाले तो हल्का गर्म फील हो, ऐसा पानी हमें लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका मीडियम आटा लगाएंगे, ना बहुत ज्यादा मुलायम ना बहुत ज्यादा सख्त, क्योंकि रेस्ट के बाद आटा अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। बस इस रेसिपी में ये सारे टिप्स जो भी मैंने बताए आप उसको फॉलो करके बनाइए, बहुत अच्छी बन जाएगी आपकी रेसिपी। ये लीजिए, आटा मैंने लगा लिया है बिल्कुल इस तरह का हल्का सा मुलायम। अब इसे रखते हैं 5-6 मिनट रेस्ट पर। और ये देखिए, आप देख सकते हैं 5-6 मिनट बाद आटा एकदम बढ़िया से सेट हो गया है। अब पहले से थोड़ा आटा सख्त भी है, हमें ज्यादा सख्त नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो एक बार और बढ़िया से बैलेंस कर लेंगे आटे को। अब आप लें 1 कढ़ाई या पैन, इसमें मैं डाल रही हूँ 4-5 बड़ा चम्मच घी। आप तेल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल, मतलब ऐसे मान के चलिए कि 1 कटोरी घी लगने वाला है, उसमें से ही मैं सारा काम करूंगी। घी को मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गर्म होने देंगे। अच्छा, घी डिपेंड करेगा आपके क्वालिटी कैसी है बेसन की और सूजी की। ज्यादा मोटे होंगे तो थोड़ा ज्यादा घी लगेगा, फाइन होंगे तो थोड़ा कम घी लगेगा। यहाँ पर जो भी हमने ये आटा लिया है इसमें से तोड़ेंगे छोटी छोटी लोइयां, बिल्कुल इस तरह की, जैसे पूड़ी का साइज से थोड़ी सी छोटी ही रखिए। 1 लोई लीजिए, हथेली पर रखकर इस तरह चिकना कर लेंगे और इस तरह प्रेस कर देंगे, मतलब मठरी जैसा हाथ से दबा करके बना लेंगे। बहुत ज्यादा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा पतला नहीं, बिल्कुल देखिए इस तरह का परफेक्ट। थोड़ा सा इस थिकनेस का रखेंगे ना, एकदम बढ़िया अंदर तक ये सिक पाएंगी। तो सारी लोइयों के बिल्कुल इसी तरह से हम छोटी छोटी टिक्की जैसे तैयार करेंगे, पतली पतली, बस हाथ से दबा दीजिए। चाहे तो बेलन से बेलना, चाहे बेलन से कर लीजिए। बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ और बहुत स्वादिष्ट और सॉफ्ट लड्डू तैयार होंगे। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इससे जो लड्डू बनते हैं वो ज्यादा मॉइस्ट होते हैं, दानेदार बनते हैं और टेस्ट भी ज्यादा आता है। अब आप एक फोक लीजिए इस तरह का काटा और इसमें ना इस तरह प्रिक कर दीजिए, चाहे तो चाकू से ऐसे इसको हल्का सा प्रिक कर दें। इससे ये अंदर तक सिकेंगे और बहुत बढ़िया टेस्ट भी आएगा। तो सभी का हम बिल्कुल इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी ही टिक्कियां इस तरह से तैयार कर ली हैं, पतली पतली। अब जो घी हमने गरम किया ना अभी पैन में, हल्का गरम है, बहुत तेज गरम हमें नहीं चाहिए, हल्का गरम चाहिए।
धीरे धीरे करके सारी टिक्कियां इसमें लगाते जाएंगे और लो फ्लेम पर धीमी आंच पर बढ़िया से उलटते पुलटते इसको फ्राई करेंगे। इस प्रोसेस से लड्डू में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी प्रॉब्लम आपको बेसन के लड्डू में होती है, दानेदार नहीं बने, चिपके चिपके लग रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ के साथ सॉफ्ट बनेंगे, दानेदार बनेंगे, बनाना एकदम आसान हो जाता है, चाशनी की भी जरूरत नहीं है। अब जैसे ये मैं हल्के हल्के से फ्राई कर रही हूँ, अगर आपको और कम घी में बनाने हो तो आप छोटा सा लोई लेकर के उसको पतला पराठे की तरह बेल लें, रोटी की तरह बेल लें, तवे पर सेक लें। तो बिना घी के भी बना सकते हैं या हल्का सा घी लगाकर पराठा जैसा बना लें, फिर हम उसका यूज कर सकते हैं आगे लड्डू बनाने में। ये देखिए टिक्कियां एक साइड से बढ़िया सिक गई हैं, तो अब धीरे से पलट देंगे और दोनों साइड से गोल्डन एकदम बढ़िया धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए परफेक्ट, एकदम खस्ता करारी क्रिस्पी हमारी सारी टिक्कियां तैयार हैं। इनको हम निकाल लेंगे और बची हुई टिक्की भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बेसन और सूजी को पहले हमने आटा गूंथ करके भिगो लिया था, तो वो बहुत बढ़िया फूल जाते हैं, तो उससे एकदम सॉफ्ट लड्डू तैयार होते हैं। अक्सर यही शिकायत होती है बेसन के लड्डू में कि कुछ दिन रखने के बाद जो लड्डू हैं काफी सख्त हो गए, सूखापन आ गया, फिर कोई खाता नहीं है, वो डिब्बे में ही रह जाते हैं। तो इन लड्डू के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ज्यादा टेस्टी भी बनेंगे और आप त्योहार पर किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं अपने हाथों से बनाकर। सारी टिक्कियां मैंने फ्राई कर ली हैं और जो ये घी बचा है पैन में, ये देखिए अब मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ये मैंने लिए हैं थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम बारीक कटे हुए, थोड़ा पिस्ता और थोड़े मगज के बीज। जो भी ड्राई फ्रूट आप लाइक करें वो यहाँ ले सकते हैं, और अगर प्लेन बनाना चाहें लड्डू तो प्लेन भी बना सकते हैं। तो इनको हल्का सा ना फ्राई कर लेंगे, थोड़े रोस्ट हो जाएंगे तो लड्डू में टेस्ट बेहतर आएगा, तो इसी घी में फ्राई कर लेंगे। लीजिए हमारे ड्राई फ्रूट से बढ़िया रोस्ट हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे और ये जो अभी घी बचा है ना इसका भी इस्तेमाल आगे कर लेंगे। तो सब काम एकदम कम घी में बचत में करेंगे। अब ये देखिए जो टिक्कियां हैं वो पूरी तरह से ठंडी हो गई हैं। बहुत जरूरी पॉइंट यहाँ, इन्हें पूरी तरह से ठंडे होने देना है, उसके बाद ही आपको इसे ग्राइंड करना है। जी हाँ ग्राइंड। अब इस तरह से इसके टुकड़े करिए मटरी के, एकदम बनिए ना खस्ता लेयर्ड। और अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में ये सारे पीसेस हम डाल देंगे। अगर आप रोटी बेलकर या पराठा बेलकर बना रहे हैं उसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है जैसे मैंने आपको रवा लड्डू में बताया था। वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन्हें देखकर वैसे भी बना सकते हैं। तो सारे पीसेस ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसको पीसेंगे दर दरा पल्स पर, यानी थोड़ा चलाएंगे मिक्सी को, थोड़ा रुकेंगे, बहुत ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया दर दरा सा पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। देखिए इसे निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में। अब जो लड्डू का टेक्सचर आएगा एकदम हलवाई जैसा, जो स्वीट शॉप पे लड्डू मिलते हैं ना वैसे ही बनेंगे। सारी बातें इसलिए बता रही हूँ अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं लड्डू मेरी रेसिपी देखकर तो आप बेस्ट बना पाए। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके तैयार किए थे ना वो भी सारे यहीं डाल देंगे। साथ में डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर आधा छोटी चम्मच के करीब। सब चीजों को करेंगे मिक्स। अब यहाँ देखिए अगर आपसे लगे कि लड्डू का मिक्स ड्राई है, आपसे लड्डू बन नहीं पा रहे, बिखर रहे, कोई परेशानी नहीं है। अभी जो हमने पैन में घी छोड़ा था ना बचा हुआ वो आप यहीं डाल लीजिए। अगर नहीं भी बचाओ तो आप एक दो चम्मच देसी घी लेकर इसमें डाल दीजिए, मेल्ट करके बिल्कुल आसानी से आप लड्डू को बांध लेंगे। और थोड़ी मात्रा में बना रहे हो तो आप थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, दूध डालने से ज्यादा दिन चल नहीं पाते लड्डू, इसलिए घी का इस्तेमाल करें। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ मिठास के लिए एक कप बूरा, उसी कटोरी या कप से एक कप बूरा लें। बूरा यानी कि चीनी की तगार। जो हलवाई लड्डू बनाते हैं किसी भी प्रकार के बाजार में उनमें बूरे का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है लड्डू में। जो शादी वादी में लड्डू बनते हैं ना उसमें देखिए इस तरह का चीनी का बूरा होता है, चाशनी बना करके उसे सुखा करके उससे ये तगार बनाई जाती है, देसी तगार बोलते हैं। किसी भी आपको पंसारी की दुकान, ग्रोसरी स्टोर कहीं भी मिल जाएगी। मैंने ये पतंजलि का पैकेट आता है बूरे का वो यूज किया है। अगर बूरे की सुविधा ना हो पाए तो फिर आप यहाँ चीनी का पाउडर डालिए या फिर जो कैस्टर शुगर होती है बारीक वाली फाइन चीनी वो यूज कर सकते हैं। सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए एकदम खिला खिला दानेदार हमारे लड्डू का मिक्स दिख रहा है, बहुत शानदार बनेंगे लड्डू। अब बढ़िया से हम अपने लड्डू बांध लेंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरह बन रहे हैं ना, और देखिए क्या मस्त टेक्सचर आया है। अच्छा दानेदार तो बनना ही था क्योंकि सूजी भी पड़ी हुई है और जिस तरीके से हमने इसको बनाया उसमें इसमें बढ़िया दाना आता है जिससे ये सॉफ्ट रहते सूखते नहीं है ज्यादा दिनों तक। दानेदार, नरम, खाने में मजेदार, दाना दाना बेसन और सूजी का फूला हुआ। मैं आपको यहीं तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए मस्त रसीले सॉफ्ट दानेदार एकदम हलवाई जैसे बल्कि उससे भी बढ़िया। तो बनिए ना एकदम परफेक्ट।
तो सारे लड्डू बिल्कुल इसी प्रकार तैयार कर लेंगे, जिस भी साइज का आपको रखना है। इजीली दो तीन चीजों से आप इसको घर में ही तैयार कर सकते हैं। गारंटी है कभी गले में नहीं चिपकेंगे और ना ही कभी ढीले पड़ेंगे, शेप मेंटेन भी रहेगी और इसी तरह रहेंगे आपके महीने भर तक अगर बच गए तो। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है गणपति बापा के प्रिय गोल गोल बेसन के बहुत ही दानेदार स्वादिष्ट नरम लड्डू। जिस तरह से आप इनकी शेप देख रहे हैं, ये एक महीने तो क्या, दो महीने भी ऐसे ही बने रहेंगे। खाने में एकदम दानेदार और सॉफ्ट, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और जो इनकी शेप है वो भी वैसे ही रहेगी, बिल्कुल भी सूखेंगे नहीं लड्डू, बेहद पसंद आएंगे आपको। और आपने देखा बनाने का तरीका एकदम नो फेल वाला, बहुत ही कम घी में आप इतने सारे लड्डू तैयार कर सकते हैं। तो जरूर से बनाइए गणपति बप्पा के भोग के लिए ये बेसन सूजी के लड्डू, जो कि बहुत आसान है। तो प्लीज प्लीज जाइए बनाइए, मुझे जरूर बताइए कैसी लगी आपको आज के बेसन के लड्डू की ये नए स्टाइल की रेसिपी।